एक पाचन तंत्र क्या है? उत्तर: पाचन तंत्र एक प्रकार की शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों को उपयुक्त पोषण तत्वों में बदला जाता है। दो, पाचन तंत्र कितने प्रकार का होता है? उत्तर: पाचन तंत्र दो प्रकार का होता है, सार्विक और विशिष्टायुक्त पाचन तंत्र। तीन, पाचन तंत्र के क्या क्या भाग होते हैं? उत्तर: पाचन तंत्र में मुख्य भाग होते हैं मुंह, गला, अग्नाशय, आंत्र, आंत्रवाहिनी और मलाशय। चार, मुख्य अंग जो खाद्य को पचाने में मदद करते हैं कौन कौन से होते हैं? उत्तर: मुख्य अंग हैं मुंह, गला और अग्नाशय। पांच, आंत्र क्या होता है? उत्तर: आंत्र एक पाचन तंत्र का भाग होता है जो खाद्य पदार्थों को पाचन करता है और पोषण तत्वों को शरीर में वितरित करता है। छह, पाचन तंत्र में हार्मोन की क्या भूमिका होती है? उत्तर: हार्मोन पाचन तंत्र को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि ग्लूकेज इंसुलिन का उत्पादन। सात, आंत्रवाहिनी क्या है? उत्तर: आंत्रवाहिनी एक पाचन तंत्र की ऊतक होती है जो अन्य ऊतकों को आंत्र में पाचन पदार्थों को ले जाती है। आठ, आंत्र की कितनी प्रमुख परतें होती हैं? उत्तर: आंत्र की तीन प्रमुख परतें होती हैं, अंतःस्रावी परत, मध्यस्रावी परत और बाह्यस्रावी परत। नौ, आंत्र में पाचन कैसे होता है? उत्तर: आंत्र में पाचन परतें खाद्य पदार्थों को अवशोषित करके उपयुक्त पोषण तत्वों में बदलती हैं, जो फिर शरीर के अन्य भागों में प्रसारित होते हैं। दस, आंत्र में पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? उत्तर: आंत्रवाहिनी प्रमुख रूप से पाचन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह आंत्र को खाद्य पदार्थों को सही तरीके से अवशोषित करने में मदद करती है। 11, आंत्र में हार्मोन क्या कार्य करते हैं? उत्तर: हार्मोन पाचन तंत्र को संतुलित रखने में मदद करते हैं, जैसे कि इंसुलिन ग्लूकोज को उपयोग के लिए शरीर में प्रसारित करता है। 12, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने पर क्या होता है? उत्तर: पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने पर विभिन्न रोग और समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पेट के रोग, अपच या मलाबद्धता। 13, पेट के रोग क्या होते हैं? उत्तर: पेट के रोगों में जीर्णात्र, गैस्ट्राइटिस और पेट के अल्सर शामिल होते हैं, जो पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। 14, अपच क्या होता है? उत्तर: अपच एक अवसादनात्मक रोग है जो खाने के पाचन में समस्या उत्पन्न करता है और व्यक्ति को खाने के बाद अनुचित समस्याएं या तकलीफें देता है। 15, मलाबद्धता क्या होती है? उत्तर: मलाबद्धता एक स्थिति है जिसमें प्रतिदिन की तुलना में अधिक संख्या में डिफिकेंट या डेरिया होती है, जो आंत्र के समस्याओं का परिणाम हो सकता है। 16, खाद्यान्न का पचन कैसे होता है? उत्तर: खाद्यान्न का पचन मुख्यतः आंत्र में होता है, जहां पाचन परतें खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती हैं और पोषण तत्वों को शरीर में संवेदनशील करती हैं। 17, अग्नाशय क्या कार्य करता है? उत्तर: अग्नाशय खाद्य पदार्थों को अवशोषित करता है और पाचन क्रिया को आरंभ करता है। यह जलंत, अम्ल और एंजाइम का उत्पादन करता है जो खाद्य पदार्थों को विघटित करने में मदद करते हैं। 18, गैस्ट्राइटिस क्या होता है? उत्तर: गैस्ट्राइटिस पेट की एक सामान्य समस्या है जो पेट की दीवार के संदर्भ में सूजन या आंतरिक इन्फ्लेमेशन का परिणाम होता है। 19, जीर्णात्र क्या होता है? उत्तर: जीर्णात्र आंत्र की एक सामान्य समस्या है जिसमें आंत्र में सूजन और दर्द होता है, जो बहुत बार खाद्य पदार्थों की अच्छी पाचन या असंतुलन से होता है। 20, पाचन क्रिया क्या होती है? उत्तर: पाचन क्रिया खाद्य पदार्थों को अवशोषित, अच्छी तरह से विघटित और शरीर को पोषण तत्वों से संचित करने की प्रक्रिया होती है। 21, आंत्र में कौन कौन से अम्ल होते हैं? उत्तर: आंत्र में पाए जाने वाले अम्ल हैं आल्कलीन फॉस्फेटेस, लैक्टिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल।
22. पाचन तंत्र की अवरोधक रोग क्या होते हैं? उत्तर, पाचन तंत्र की अवरोधक रोगों में क्रोन रोग, योजितिस और अपच शामिल होते हैं, जो पाचन प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर सकते हैं। 23. क्रोन रोग क्या होता है? उत्तर, क्रोन रोग एक आंतरिक अवरोधक रोग है जो आंत्र की दीवार में सूजन और विकार का कारण बनता है। 24. योजितिस क्या होता है? उत्तर, योजितिस आंत्र की एक अवरोधक रोग होता है जिसमें आंत्र की दीवार में सूजन और आंतरिक विकार होते हैं। 25. पाचन तंत्र की सामान्य समस्याओं में क्या हो सकता है? उत्तर, पाचन तंत्र की सामान्य समस्याओं में पेट में गैस, पेट में दर्द, अपच और मल बनाने में समस्या हो सकती है। 26. पाचन तंत्र के अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? उत्तर, पाचन तंत्र के अंगों में सबसे बड़ा अंग आंत्र होता है, जो खाद्य पदार्थों को पाचन करता है और पोषण तत्वों को अवशोषित करता है। 27. आंत्र की दीवार कैसे होती है? उत्तर, आंत्र की दीवार मुख्यतः तीन परतों से बनी होती है, अंतःस्रावी परत, मध्यस्रावी परत और बाह्यस्रावी परत। 28. आंत्र की अंदरूनी परत में कौन कौन से उत्सारक होते हैं? उत्तर, आंत्र की अंदरूनी परत में उत्सारक मुख्यतः मुकस उत्सारक, अम्ल उत्सारक और प्रोटेसेज होते हैं। 29. पाचन तंत्र की समस्याओं के उपाय क्या हो सकते हैं? उत्तर, पाचन तंत्र की समस्याओं के उपाय में स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना शामिल होता है। 30. पाचन तंत्र की स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से आहारी उपचार हो सकते हैं? उत्तर, पाचन तंत्र की स्वस्थ रखने के लिए आहारी उपचार में फल, सब्जियां, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ और पर्याप्त तेल का सेवन शामिल होता है। 31. पेट में गैस क्यों बनती है? उत्तर, पेट में गैस बनने का कारण अधिकतमतः अपच और खानपान में दलाव हो सकता है, जिससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है। 32. पेट में दर्द क्यों होता है? उत्तर, पेट में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपच, गैस, आंत्रविक समस्याएं या पाचन तंत्र में असंतुलन। 33. पाचन तंत्र के कामकाज कैसे प्रभावित होते हैं? उत्तर, पाचन तंत्र के कामकाज प्रभावित हो सकते हैं अधिकतमतः अनियमित और अधिक खानपान, अजीर्ण और स्थायित्व। 34. पाचन तंत्र में स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, पाचन तंत्र में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर को पोषण तत्वों से संचित करता है और सही से काम करने के लिए आवश्यक है। 35. आंत्र में पाचन क्रिया का क्या महत्व है? उत्तर, आंत्र में पाचन क्रिया का महत्व है क्योंकि यह खाद्य पदार्थों को पोषण तत्वों में बदलता है और शरीर को पोषित रखने में मदद करता है। 36. पाचन तंत्र की समस्याओं का सही उपचार क्या हो सकता है? उत्तर, पाचन तंत्र की समस्याओं का सही उपचार नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त आराम शामिल हो सकता है। 37. पाचन तंत्र में विकार के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, पाचन तंत्र में विकार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनियमित खानपान, स्थायित्व या रोग। 38. पाचन तंत्र को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है? उत्तर, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, पर्याप्त पानी और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना महत्वपूर्ण है। 39. गैस्ट्राइटिस के लक्षण क्या होते हैं? उत्तर, गैस्ट्राइटिस के लक्षण में पेट में दर्द, उबकाई, उबलन और पेट की सूजन शामिल हो सकते हैं। 40. आंत्रवाहिनी क्या काम करती है? उत्तर, आंत्रवाहिनी खाद्य पदार्थों को आंत्र में पहुंचाने का काम करती है, जहां वे पाचन किए जाते हैं और पोषण तत्वों में बदले जाते हैं। 41. आंत्रवाहिनी किस अंग का हिस्सा है? उत्तर, आंत्रवाहिनी पाचन तंत्र का हिस्सा होता है जो आंत्र में खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। 42. पाचन तंत्र की समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है?
उत्तर पाचन तंत्र की समस्याओं का निदान उपचार और जांच के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। 43 पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? उत्तर पाचन तंत्र में मुख्य अंग होते हैं मुंह, गला, अग्नाशय, आंत्र और मलाशय। 44 पाचन तंत्र की सही क्रिया के लिए क्या कारणीय अंग होते हैं? उत्तर पाचन तंत्र की सही क्रिया के लिए आंत्रवाहिनी, पाचन अग्नि और उत्सारक अंग अहम होते हैं। 45 पाचन तंत्र में उत्सारक अंग का क्या काम होता है? उत्तर उत्सारक अंग खाद्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं और आंत्र में पाचन प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। 46 पाचन तंत्र में स्वस्थ आंत्र के लिए क्या सुनिश्चित किया जा सकता है? उत्तर पाचन तंत्र में स्वस्थ आंत्र के लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, पर्याप्त पानी और अधिक सोया युक्त खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। 47 पाचन तंत्र में क्रिया कैसे होती है? उत्तर पाचन तंत्र में क्रिया खाद्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं और उपयुक्त पोषण तत्वों में बदलते हैं। 48 पाचन तंत्र में पोषण तत्वों कैसे शरीर में संचित होते हैं? उत्तर पाचन तंत्र में पोषण तत्वों खाद्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं और शरीर के अन्य भागों में प्रसारित होते हैं, जहां वे संचित होते हैं। 49 पाचन तंत्र की सही क्रिया के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उत्तर पाचन तंत्र की सही क्रिया के लिए स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी और स्वस्थ जीवन शैली महत्वपूर्ण है। 50 पाचन तंत्र के विकार को कैसे बचा जा सकता है? उत्तर पाचन तंत्र के विकार को बचाने के लिए स्वस्थ आहार, पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम का पालन करना महत्वपूर्ण है।